नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पॉलीनोमियल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीनोमियल्स। तो पॉलीनोमियल्स मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे, और जो पॉलीनोमियल्स होते हैं बहुत सारे टर्म्स जब एक इक्वेशन में आ जाते हैं उसके कहते हैं पॉलीनोमियल्स कहते हैं। पॉलीनोमियल्स बनते हैं आपके वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म्स के, इनको मिला के बनता है आपका पॉलीनोमियल्स बनता है। तो आपको आपने पिछले वर्ड से पढ़ा होगा कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलीनोमियल की डिग्री डिफाइंड आप लोगों ने की है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, कि पॉलीनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे पास बुक में है, बुक में आपके पास फाइव टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स। फर्स्ट टाइप का कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स, लीनियर पॉलीनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स की, बात करते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलीनोमियल्स जो अपने कांस्टेंट पॉलीनोमियल्स का मतलब होता है कि पॉलीनोमियल क्या होता है, केवल एक टर्म होती है, मतलब से क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, इसमें कोई वेरिएबल आपका नहीं होता है, जीरो वेरिएबल होता है। जीरो वेरिएबल का मतलब होता है केवल एक सिंगल टर्म होगी जो कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। तो उस कांस्टेंट लिखते हैं, एक एग्जांपल लेंगे इसका हम लोग। तो हमने पहले बात की कांस्टेंट पॉलीनोमियल की, जहां मैंने कहा था क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है जीरो वेरिएबल टर्म, क्या था मतलब अगर हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सेवन, इसका मतलब क्या है कि हमें कोई वेरिएबल नहीं है, केवल एक सिंगल टर्म है जो कि कांस्टेंट टर्म है, जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं जीरो पॉलीनोमियल्स, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं अपना लीनियर पॉलीनोमियल्स की बात करते हैं। तो लीनियर पॉलीनोमियल्स हमारे पास ये है, तो हम दिखाते हैं लीनियर पॉलीनोमियल को ऐसे करके। लीनियर जो हमारा पॉलीनोमियल है, ऐसे लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस नाइन। इसमें क्या है, जो कांस्टेंट है, सॉरी जो वेरिएबल है, ओके, एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कितनी है हमारे पास, एक सिंगल पावर है वेरिएबल की, उसके कहते हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखते हैं इसको पी एक्स इज इक्वल टू, अगर इसी को लिखते हैं हम लोग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। तो यहाँ पे क्या है, पॉलीनोमियल की पावर कितनी होगी हमारे पास, थ्री हो गई है, ठीक है, सॉरी टू हो गई है, तो जो वैल्यू की पावर टू होगा हमारे पास हो गई है, तो इसे पॉलीनोमियल बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब बात करते हैं अगर हम क्यूबिक की, तो क्यूबिक के लिए हम लेते हैं यहाँ पे इसको आगे करते हैं, अगर हम लोग पी एक्स इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम टू और एक्स की जो पावर होगी, जो वेरिएबल हमारे पास एक्स की पावर कितनी जाएगी, हमारे पास थ्री हो जाएगी, और साथ में कोई भी टर्म्स ले सकते हैं, जैसे एट ले लिया हमने, सेवन कुछ ले सकते हैं लोग, ठीक है। इसमें हम लोग हमारा आता है बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई क्वाड्रेटिक करते हैं हम लोग पी एक्स इजिकल टू हो जाएगी, जो हमारा फिर वेरिएबल है एक्स है, या कोई एक्स वाई जेड हम कुछ भी सकते हैं वेरिएबल, तो हम लोग लिखते हैं जैसे टू एक्स की पावर की ले लें हम लोग फोर प्लस समथिंग जो भी हम लेना चाहे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें फिर से स्टार्ट करेगा कॉन्स्टेंट की, तो कॉन्स्टेंट में क्या है पे इसकी पावर हम लोग जीरो का मतलब है कि हम लोग ले सकते हैं इसकी हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू जीरो, ठीक है। एक्स इंटू जीरो जीरो हो गया, तो कॉन्स्टेंट बोलोगे जो वेरिएबल है वो कितना हमारे पास जीरो है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा कितना हमारे पास जीरो है कोफिशिएंट इसका हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये हट गया। लीनियर पॉलीनोमियल की बात करते हैं, हम जब क्या है जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है वन है। बात करते हैं हम लोग अगर क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, वेरिएबल की टू है। क्यूबिक में बात करते हैं, क्यूबिक क्या है हमारे पास, क्यूबिक में हमारे पास थ्री पावर होती है, और बाई क्वाड्रेटिक में क्या होती है हमारे पास, की पावर फोर होती है। तो इस तरीके से हमने डिफाइन किए टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग डिफरेंस करेंगे पॉलीनोमियल्स और इक्वेशंस के बीच, और इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है वो हम दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। इसके साथ नमस्कार, धन्यवाद।